आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो लंबे टाइम तक कैसे स्टे करें आपकी स्किन में, स्पेशली फॉर समर्स बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने आने के कारण हमारा जो फाउंडेशन होता है वो स्किन में से बिल्कुल निकल ही जाता है। तो कुछ हैक्स, कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी, बहुत इजी है, इजीली आप कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको बाहर से कुछ लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाते ना, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट स्टेप है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बिल्कुल भी ना निकले, फाउंडेशन जो आपकी स्किन में से बिल्कुल भी ना निकले, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आपको बर्फ़, यानी कि समर्स में आपको अच्छे से बर्फ़ को मेकअप करने से पहले अपने पूरे फेस पे रगड़ना है, यानी कि लगाना है इस तरीके से। इससे जो आपका मेकअप या फिर फाउंडेशन जो भी है वो बहुत लंबे टाइम तक आपके फेस पे रहेगा, कितना भी पसीना है, कितना भी कुछ हो, नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बर्फ़ है ना आपकी स्किन को एकदम पैम्पर कर देगी, मेकअप के लिए तैयार कर देगी, ठीक है। फाउंडेशन के लिए इसको अच्छे से 8 या 10 सेकंड तक फेस पे अच्छे से रब करना है। ओके गाइस, अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो आप ठंडा पानी ले सकते हैं एंड उसको फेस पे लगा सकते हैं, बिल्कुल जो बर्फ़ का पानी होता है उसको फेस पे लगा सकते हैं, आईज एरिया पे भी लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, एक तो आप देखिए मेरी स्किन यहाँ से रेड रेड आपको दिख रही है, हाँ जी, तो आपकी स्किन जो है वो तैयार हो जाएगी मेकअप के लिए, और आपका जो मेकअप है जो पसीना वगैरह था वो नहीं आएगा, क्योंकि स्किन जो है कूल हो जाएगी, रिफ्रेश फील करेगी, एकदम फ्रेश हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी, और बिना किसी यू नो टोनर्स वगैरह के। तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, इसलिए आप बर्फ़ जो है मेकअप करने से पहले अगर आप समर में कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पिंक हो गया मेरा फेस यहाँ से। ओके गाइस, तो अब हम जो है फेस को साफ़ कर लेंगे टॉवल से, तो टॉवल से अब हम अपना फेस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ओके, तो अब मेरी स्किन जो है हाइड्रेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अपने स्टेप क्या है जिससे मेरा जो फाउंडेशन है वो लंबे टाइम तक मेरे फेस पे रहे, तो सेकंड स्टेप जो होगा वो ये होगा कि अब मैं अपने फेस को करूँगी टोनिंग। टोनिंग के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दूँगी, अगर आप चाहो तो रोज़ वाटर लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो टोनर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, जो यहाँ पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको ओपन पोर्स बोलते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, यानी कि वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे, और मतलब जो आपके ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी स्किन अभी हाइड्रेट है तो वो डबल हाइड्रेट हो जाएगी, क्योंकि हम अपने मेकअप को लंबा स्टे कर रहे हैं। एक प्रोसेस होता है मेकअप को ओनली स्टे करना, एक होता है लंबा स्टे करना, तो हम लंबा स्टे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने फेस पे अभी अप्लाई करेंगे टोनर। सो टोनर में ड्राई और ऑयली स्किन दोनों के लिए आपको बता देती हूँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं गुड वाइब्स का, और अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जो है प्लम का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास प्लम का टोनर भी है, बट अभी मैं जो है ये वाला यूज़ करूँगी गाइस। ये है सैंडलवुड का, सॉरी एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड टोनर, यानी कि एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड मतलब चंदन का टोनर है। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, इस तरीके से हमें अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, एंड लगाने के बाद यानी कि स्प्रे करने के बाद हमें कम से कम 5 सेकंड के लिए इसे छोड़ देना है, ठीक है, ताकि ये पूरा हमारे फेस में जो है अब्सॉर्ब हो जाए। सो गाइस, ये स्टेप करने से बेसिकली होगा क्या, हमारी स्किन जो है सुपर हाइड्रेट हो जाएगी, यहाँ पे जो ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, और जो हम फाउंडेशन को काला पड़ने की आप लंबा स्टे करने की बात कर रहे हैं तो वो फाउंडेशन हमारा बहुत ज़्यादा लंबा स्टे करेगा, क्योंकि हमारी स्किन तो अच्छे से पैम्पर है, तो आपका फाउंडेशन अपने आप ही बहुत देर तक चलेगा। आप क्या करते हो, बहुत बार आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, आप टोनिंग नहीं करते, और क्या करते हो आप प्राइमर वगैरह नहीं लगाते, उससे क्या होता है सीधा फाउंडेशन फेस पे लगा लेते हो, थोड़े टाइम के बाद काला पड़ जाता है और वो लंबा भी नहीं चलता, तो आप ये स्टेप फॉलो करो, इससे आपका फाउंडेशन जो है लंबे टाइम तक चलेगा। ओके, सो सेकंड स्टेप जो अब आपको करना है वो करना है आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना। अब आपकी स्किन हाइड्रेट हो चुकी है लेकिन आपकी स्किन अभी भी ड्राई है गाइस, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो भी आपको अपनी स्किन को हमेशा गर्मी सर्दी कुछ भी हो हमेशा मॉइस्चराइज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, यानी कि आपकी जो स्किन होती है ना जो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी उसे थोड़ा सा सॉफ्ट बना देगी, और आप जो भी फाउंडेशन लगाओगे ना जो कीकी हो जाता है, जो लाइनें पड़ जाती है वो लाइनें नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट होगी। तो फटाफट से मैं लगा लूँगी मॉइस्चराइजर। सो गाइस, आई एम यूजिंग मामा अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, ऑयल फ्री है, समर के हिसाब से बेस्ट है, तो मैं इसे थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं लगाना आपको मॉइस्चराइजर, ये नहीं है कि आप भर भर के लगाओ, बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे हम, फुल फेस पे लगाएंगे। मुझे फेस मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है गाइस। ओके, अच्छे से लगा लेंगे फेस पे और हल्के हाथों से इससे मसाज कर लेंगे, क्योंकि हमें अपनी फाउंडेशन को जो है बहुत लंबा स्टे करना है, यानी कि अपने फेस पे रखना है, लंबा चलाना है हमारा फाउंडेशन, जिससे कि पसीने में निकले ना और काला भी नहीं पड़े, ठीक है ना। तो ये हमें रख लिया, अब हम इसे रखेंगे 5 सेकंड्स अपनी स्किन पे, ताकि वो हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, और अब ये स्टेप करने से हमारी स्किन सॉफ्ट तो होगी होगी, जो फाउंडेशन लगाएंगे उसका टेक्स्चर भी इंप्रूव हो जाएगा। सो गाइस, इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है,
फर्स्ट हमें बर्फ लगानी है, सेकंड टॉनिक यानी कि टोनर आप गुलाब जल भी लगा सकते हैं, फोर्थ फेस मॉइस्चराइजर आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो वाला, इसके बाद फोर्थ पार्ट जो हमें करना है वो हम यूज़ करेंगे ये 3-in-1 प्राइम, बेसिकली हमें प्राइमर यूज़ करना है बट मैं आपको उसका नाम बता रही हूँ 3-in-1 प्राइमर्स एंड मॉइस्चराइजर है ये, इसमें तीन आपको खोबियाँ मिल जाएगी, एक तो प्राइमर का भी काम करेगा मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा और ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है। ऑयल फ्री है तो ऑब्वियसली गर्मी में हम ऑयल फ्री ही चीज़ लगाएंगे क्योंकि हमारी स्किन पे पसीना वैसे ही आ जाता है, ऑयल्स अगर ड्राई स्किन है तो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन है तो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों में तो पसीना सबकी स्किन पे आती है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आप अगर गर्मियों में फाउंडेशन को लंबा चाहते हैं ना तो जितना फेस पे ऑयल आएगा ना उतना आपका जो मेकअप है ना वो उतरता जाएगा और काला पड़ता जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप जो भी मॉइस्चराइजर लगाए वो भी ऑयल फ्री लगाए, जो भी फाउंडेशन लगाए वो भी ऑयल फ्री लगाए, जो भी टोनर वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, प्राइमर वगैरह मॉइस्चर वगैरह सब कुछ ऑयल फ्री लगाइएगा। उससे क्या होगा ना, एक तो आपकी स्किन पे ऑयल नहीं आएगा और दूसरा आपकी स्किन पे क्या होगा, आपका स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा और जब आपकी स्किन पे ऑयल आएगा ही नहीं तो आपका फाउंडेशन काला पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपका फाउंडेशन काला पड़ता ही इसलिए क्योंकि आपकी जो स्पेस होता है ना उस पर ऑयल आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, वो काला पड़ना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो ये कारण होता है मेकअप काला पड़ने का। तो मेरा जो है फोर्थ स्टेप भी हो गया है एंड इसको भी मैं थोड़ी देर अपने फेस पे रखूंगी, इसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। सो गाइस, अगर आप ऐसा फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं जो कि आपका लंबा स्टे करे आपके फेस पे, तो गाइस मैं आपको बजट फ्रेंडली बताती हूँ, फिटमी का फाउंडेशन है ये, इसका शेड नंबर 128 है, ठीक है। ये नॉर्मल स्किन टोन पे जाता है जैसे कि मेरा नॉर्मल स्किन टोन है, अगर आपका फेयर है तो आप 115 ले सकते हो और अगर आपका ज़्यादा डार्क है तो आप 130 शेड नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑल स्किन ऑफ टाइप है, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 250 में आपको अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो 250 में आपको इजिली इसकी इतनी वाली बॉटल इजिली मिल जाएगी, ठीक है। और मैट फिनिश है तो ऑब्वियसली आपके फेस पर ऑयल आएगा नहीं। तो ये देखिए, आपको पहले डॉट्स बना के फाउंडेशन को अप्लाई करना है। अगर आपके एक बात याद रखें यार, अगर तुम सभी चीज़ें ऑयल फ्री यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मेकअप जो है लंबा स्टे करेगा, यानी कि बहुत देर तक आपके फेस पर रहेगा और डेफिनेटली काला भी नहीं पड़ेगा और पसीना वगैरह भी नहीं आएगा। तो डॉट्स में हमेशा फाउंडेशन क्यों लगाना चाहिए, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है कहीं ज़्यादा कहीं कम वो ना लगे, ठीक है। डॉट्स में लगाने का तरीका सिर्फ यही होता है। तो ये देखो, मैं अपने आईज़ पर भी लगा रही हूँ क्योंकि मैं कोई कंसीलर अलग से यूज़ करने वाली नहीं हूँ, एज ए कंसीलर बहुत अच्छा वर्क करता है फाउंडेशन और आपकी स्किन को इवन टोन करता है, और मुझे कोई डार्क सर्कल वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं डेफिनेटली यूज़ कर सकती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैंने ले लिया मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, अभी से मैं इसका पानी निकाल दूँगी अच्छे से, पानी हमें अच्छे से निकालना है, अगर इसमें पानी रह गया ना तो आपका जो फाउंडेशन हो बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना है। इसमें अगर एक बूंद भी पानी रह गया उसके लिए क्या करना, आपको अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद टॉवल लेना है, टॉवल में दबा लो ताकि पानी अच्छे से ये सोक कर ले, और जब ये सोख हो जाए तो ये अपने आप ही बहुत फ्लॉपी हो जाता है, ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लॉपी है। अब इसको अच्छे से ये देखिए कितनी ईजिली ये ब्लेंड कर रहा है, यू कैन सी दैट। अगर आप इसमें पानी छोड़ दोगे तो आपके फेस पे लग जाएगा, और अगर आप इसको ज़्यादा ड्राई कर दोगे तो ये ऐसी स्मूथ फिनिशिंग देगा ही नहीं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा ब्यूटी ब्लेंडर कितना इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट फॉर टैप टैप बहुत ईजिली देखिए कितनी ईजिली मेरे पूरे फेस पे लग गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये स्टेप फॉलो करो ना बिल्कुल भी मेकअप काला पड़ने वाला नहीं है गाइस आपका, अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हो बिल्कुल फाउंडेशन काला नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। ये देखो बिल्कुल हमने कंसीलर यूज़ नहीं करा और आईज़ हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट फेस जैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी तरह कोई डार्क सर्कल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप भी यूज़ कर सकते हो, वैसे भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लेना, अलग से कंसीलर परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो बहुत अच्छी स्मूथ फिनिशिंग, बहुत इजीली ब्लेंड, हर जगह से बराबर, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जो फाउंडेशन है उसको ज़्यादा लंबा ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनसाइड का बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ गाइस, इसको जहाँ पे ज़्यादा पसीना आता है वहाँ पे लगाना है, आंखों के नीचे पसीना बहुत आता है। यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है एंड यहाँ पे भी आता है। ओके गाइस, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पसीना आता है वहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड इसको छोड़ देंगे 10 सेकंड्स के लिए। इसके बाद आप ब्रश की हेल्प से सटा देंगे,
से बेसिकली होगा क्या, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो अपने आप हट जाता है एंड जो काम का प्रोडक्ट होता है वो आपके फेस पे रह जाता है एंड इससे बिल्कुल भी पसीना जो है नहीं आता। ठीक है, तो ये भी हो गया एक तरीका फेस को लॉन्ग लास्टिंग। हाइलाइटर और ब्लशर करने से पहले मेक श्योर अगर आपने अपना बेस बना लिया है और उसे आप और भी लंबा करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल पॉइंट है। अगर आप और लंबा करना चाहते हैं तो मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं एंड इसको आपको कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ। इसको आपको अपने ऐसे सीधा फेस पे नहीं करना, ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है तरीका। मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे से स्प्रे करती हूँ, उसके बाद हल्का से टैप डाउन एंड हल्का हल्का फेस पे लाइक दैट। इससे जो मेरा बेस है वो भी ख़राब नहीं होता और मेरा मेकअप बहुत लंबा से करता है। ओके गाइस, सो मेकअप फिक्सर से भी आपका जो फाउंडेशन है वो लंबा स्टे करेगा। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू वीडियो, आई होप एंड आई विश आप लोगों को। सो गाइज, ये था मेरा फाउंडेशन को लंबा स्टे करने का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।